हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। बचपन से ही हमें एक वर्ड बहुत ही अच्छे से बच्चों के दिमाग में डाला जाता है, उनको सिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और ये वर्ड हम तब तक पढ़ते हैं जब तक हम 10th क्लास में नहीं आ जाते। लाइक कंपल्सरीली हमको ये सिखाया जाता है, उसके डीमेरिट्स भी सिखाए जाते हैं, उसके मेरिट्स भी सिखाए जाते हैं, उसमें क्या कैसे क्यों कब होता है वो भी सिखाया जाता है। लाइक उसका मीनिंग है जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम उन चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं, लाइक कि हमने जो थ्योरेटिकली पढ़ा है हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को लेकर देखते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी प्रैक्टिकली वो चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। दूर दूर तक हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ी थी। इसी वर्ड के यानी डेमोक्रेसी वर्ड के फोर्थ पिलर की हम बात करें तो उसे मीडिया कहा जाता है, जिसका मेन काम है जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करने का। लेकिन तब क्या हो जब मीडिया अपनी ड्यूटी भूल जाए, या तब क्या हो जब जनरल पब्लिक मीडिया का बायकॉट करने लग जाए, वो ये कहने लग जाए कि मीडिया अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है। मीडिया को जो करना चाहिए, जो दिखाना चाहिए, एक्चुअल थिंग्स आर डिफरेंट, जो हो रहा है वो मीडिया नहीं दिखा पा रहा है। मीडिया किसी के अंडर हो चुका है, मीडिया गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंडर हो चुका है। इसका साफ मतलब निकलता है कि पब्लिक है अब मीडिया को नहीं देखना पसंद कर रहा है और उसका बायकॉट कर रहा है। लाइक आज हम आपको ऐसी पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं फार्मर प्रोटेस्ट की, और जिसमें फार्मर साफ कह रहे हैं कि वो मीडिया वो नहीं चाहते हैं कि मीडिया आकर उनको दिखाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि मीडिया ओपिनियन वाइज हो चुका है, मीडिया फैक्ट्स और फिगर्स पर आधारित नहीं है। मीडिया एक पर्टिकुलर पार्टी की ओपिनियन ले रहा है, जो कि मीडिया की ड्यूटी नहीं है। मीडिया की ड्यूटी ओपिनियन देना बिल्कुल भी नहीं था और ना कभी होना चाहिए। मीडिया का काम है फैक्ट्स और फिगर्स देना, एक निष्पक्ष मीडिया का यही काम होता है। तो लाइक आइए हम देखते हैं कि हमारे देश का जो आज मेन मुद्दा चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट का, वो फार्मर्स मीडिया को आने क्यों नहीं दे रहे, मीडिया को बैन क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बड़े इन नेशनल चैनल्स का बायकॉट किया है। उन चैनल्स का हम नाम नहीं लेंगे, हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे। ये रियल पिक्चर्स हैं फार्मर प्रोटेस्ट की। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है गोदी मीडिया। मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। दंगे भड़काने का काम करता है ये, देखिए जी न्यूज है। दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर वन चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश ने बर्बाद कर रखा है, पूरे देश आक्रोश फैला रखा है। विश्वास के मुद्दों की जरूरत नहीं है, किसानों की कमी है। जी न्यूज वाला दंगा कराने के लिए काम ही दंगा कराना है। शिक्षा स्वास्थ्य बात नहीं करनी, दंगे 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 शेम 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 कुछ भी कर दे भड़वे मोदी के लिए। सबसे बड़ा चैनल दंगा चैनल, हिंदू मुसलमान करने का चैनल। उसका माइक लेके आए हुए थे जिनको हमने भगा दिया था। अच्छा, तो वही तो एक ही चीज है यार साहिल साहब ने, ये कल जी न्यूज का लेके आए हुए थे, कल इनको हमने भगा दिया था, तो आज ये माइक चेंज करके आ गए। अब मैंने इसको आते ही पूछा कि आप जी न्यूज के हो क्या, तो ये कह रहा कि भाई हम जी हिंदुस्तान के हैं। मैं उसका मालिक कौन है, मालिक तो एक ही है, इनका काम दलाली करना है, इस चैनल का काम दलाली करना, और ये दलाली कर रहे हैं खुल के। ये कल इनको हेडलाइन बना रखी थी कि सिख कृपाल घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। क्यों भाई, सिख तो कृपाल रखता है, इनको क्या इतराज इस बात से। तो इनका काम है आंदोलन को खराब करना, ये खुल के सरकार की दलाली कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने बड़े चैनल है वो बिल्कुल बिके हुए चैनल हो गए हैं। पूरा किसान आंदोलन की और कवरेज कोई कर रहा है तो जितने छोटे चैनल हैं, जो हमारे अपने चैनल हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को दिखाया है, जैसे आपका आप हो गए
आपने हर छोटे से छोटे मुद्दे को आप दिखा रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं। अगर वो किसानों के पक्ष में है वो भी दिखा रहे हैं और सरकार के पक्ष में वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन जी न्यूज बिका हुआ चैनल है। मैं इसे आते ही यही पूछा कि आप कल जी न्यूज का माइक, आज इसने माइक चेंज कर लिया। माइक चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं और आज ये अपना माइक चेंज करके आगे। लेकिन वही बात है, शकल जो होती है ना वो पहचान में आ जाती है। जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना वो अपना पहचान में आ जाता है। जी पत्रकार मोदी जी, क्या कहना चाहोगे ये जो इस तरह से आपके साथ हो रहा है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? जी जी, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? नहीं बताइए आप। सर मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इसका जवाब। मैं नरेला से तनवीर, मैं जन सेवा में जुड़ा रहता हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ। जो सरकार जनता के खिलाफ कोई भी कानून लाती है उसके खिलाफ बोलता हूँ। आज ये 3-4 चैनल इन्होंने हमारे देश को, देखो मीडिया, मीडिया का मतलब है चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको जनता की और गरीब की आवाज उठाकर कोई भी गलती करे उसको दिखाना होता है। लेकिन कुछ मीडिया ये दलाल मीडिया बन चुकी है, जिसने हमारे देश को भट्टा बिठा दिया है मोदी साहब के साथ मिलके। 6 साल के अंदर मोदी जी के जितने कानून आए सारे भ्रष्टाचारी बेईमानी कानून आए इन्होंने। देख लो दिल्ली मीडिया की हालत, देखो की मीडिया की हालत है। ये पोजीशन दी पोजीशन है, राज करेगा खालसा, खालसा मीन्स खालिस एंड प्योर। असि कहना सच दी जीत होए, तुसी सानू कहने असि नारा नहीं लावोंगे, समझो खालसा का मतलब सच हुंदा है, प्योर हुंदा है। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द इनोसेंट पंजाबी पीपल। यू गाइस थिंक वी आर फूल, वी आर द पीपल बिकॉज ऑफ होम यू गेट द फूड इन योर प्लेट्स, ओके? एंड ट्राई टू रिमेम्बर दैट वी आर द पीपल। जे असी तुसी तुहानू लगदा ना असी रोटी खाने तुसी पीजे खांदे हो, पुत थोड़े पीजे भी साडे मक्के नाल साडे मैदे नाल बनदे। जे किसान ने मक्का ते मैदा खाना बंद करता ना ते तुहाडे पीजे बर्गर भी खत्म हो जाने जे। ते इस करके डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द इनोसेंट पंजाबी पीपल। मैं सारे वीरां नू बेनती करदा जे चैनल दा नाम ले दो, क्योंकि लोग मैं देखो जी तुहानू डर हैगा, आपां टैक्स पे करदे आ, असी किसान हैगे आ, असी किसानां दे पुत हैगे आ, असी टैक्स पे करदे आ। ਇਹ 3 ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਜਰਾਂ ਓਮ ਕਸ਼ਪ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਮੋਰਟਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਈ ਵਾਂਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਵਾਂਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਰਨੀ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੋ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੁਚਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟੇ ਲਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਰੋਟੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਦਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਕੈਸੀ ਸਰਾਉਂਡਿੰਗ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ, ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਆਪਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰੀ ਆਪ? ਹਮਕੋ ਵੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਵੋ ਔਰਤ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਜੇ, ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯੂ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਚਰਨਲ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਕੌਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
मैनू भावे तुहानू लगदा ना भी आपां अपने वायरल सानू वायरल नहीं आप बोर्ड फड़ लो आप गल करो आप दिखाओ अपनी फोटो खिंच के भावे अपने पिंडां नू भेज दियो अपने बंदियां नू भेज दियो इन्हां चैनलां नू वीरो इन्हां चैनलां नू कोई इंटरव्यू ना दियो। मैं इसी करके इंग्लिश भी लिख के लिया हिंदी च भी लिख के लिया मैं पंजाबी च भी लिख के लिया और मैं बार बार तुहानू कह रहा इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज इट इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस सक्सेस मैं फिर एक गल और कहना चाहना आई कैन टॉक इन इंग्लिश एज वेल मुझे हिंदी भी आती है पर मैं पंजाबी बोलूंगा मेरी माँ बोली पंजाबी है मेरी माँ बोली पंजाबी हूँ दोती मीडिया नूं समझ लेना चाहिए कि किसान हूँ बोर्ड लेके थोड़ा जिहड़ा विरोध कर रहे ने हूँ जे कोई दोती मीडिया इत्थे आंदा है। अभी आपने जो पिक्चर्स देखी वो फार्मर प्रोटेस्ट की है। फार्मर्स ने नारे लगाए कि जो मीडिया है अब वो गवर्नमेंट के अंडर जा चुका है, वो गवर्नमेंट जो कहती है वो वही करता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो किसान है जो अभी सड़कों पर है ऐसा वो कह रही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी ओपिनियन है जो वो क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए।